सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उठिशी दुराची कंठे झळके माळ मुक्ता भराची जय देव जय देव जय देव जय ये आबो हवा ये सुकून कहीं और नहीं मिलता, मिलता है बहुत शहर लेकिन कटरा शहर जैसा शहर नहीं मिलता। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता दी। माँ भगवती जी की अनुकम कृपा से अक्टूबर में एक बार फिर से माता रानी जी का बुलावा आ चुका है, और बुलावा आता है तो हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी जी की संपूर्ण डिजिटल यात्रा कराने की कोशिश करते हैं, जिसमें ऐसा महसूस कराना चाहते हैं कि आप घर बैठे हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं। तो आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजनों का श्री माता वैष्णो देवी जी के एक नए डिजिटल यात्रा में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आशा करेंगे कि आप सब हेडफोन लगाएंगे, डिवाइस को फुल स्क्रीन करेंगे और आने वाले कुछ समय के लिए सब कुछ भूलकर हमारे साथ इस यात्रा में शामिल हो जाएंगे। हमारी यात्रा की शुरुआत इस पवित्र पावन यात्रा गेट से होने जा रही है, जिसे हम दर्शनी दरवाज़ा कहते हैं, और आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे यात्रा में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए जयकारों के साथ इस डिजिटल यात्रा की शुरुआत करते हैं। जयकारा माँ शेरा वालिदा, बोलिए साचे दरबार की जय। क्षमाशीले परात्परे शुद्ध सत्व स्वरूपे च कोपादि परिवर्जिते उपमे सर्वसा। जय माता दी। सबसे पहले आप यात्रा गेट के मनमोहक दृश्य को देख पा रहे होंगे, काफी प्यारा नजारा देखने को मिल रहा है। अलग अलग कलरों द्वारा यात्रा गेट की सुंदरता को बढ़ा दिया गया है, फसाड लाइटिंग किया गया, इसलिए अलग अलग कलर आपको देखने को मिल पा रहे होंगे। अब देखिए पहले क्या होता था, लाइन ऐसे जाती थी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि लाइन इधर से ऐसे जा रही है, और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के जो काम है वो पूरी तरीके से चल रहे हैं। अभी भी यहाँ पर पूरा जो है इसे रिमॉडलिंग किया जा रहा है, आप देख रहे होंगे। पहले अलग तरीके का इस तरह से एंट्री था, लेकिन अब थोड़ा सा बदलाव यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह का पूरा नज़ारा है यहाँ से। अब यहाँ से हम यात्रा की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मत्था टेकेंगे, माँ भगवती को धन्यवाद देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हमारी यात्रा सफल हो। धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमें अपने दरबार बुलाया, और फिर आगे बढ़ेंगे, और जब यात्रा समाप्त कर लेंगे तो यहाँ पर आकर उन्हें धन्यवाद देकर उनसे निवेदन करेंगे कि वे दोबारा हमें बहुत जल्दी बुलाएं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, आप दृश्य को देखिए और जय माता दी लिखिएगा। जय माता दी, मिलते हैं इस गेट के बाद। जय माता दी। माता दी, तो अभी देखिए हम यात्रा की शुरुआत यात्रा गेट से कर रहे हैं, और ये एक्सक्लूसिव व्यू है यात्रा गेट का, जो नया रिमॉडलिंग किया जा रहा है। इधर देखिए अभी भी निर्माण कार्य चल ही रहा है, और मुझे लग रहा है ऊपर वेटिंग एरिया बनाया जाएगा, और इस तरह से आने जाने का रास्ता जो है वो रहेगा। अभी भक्त देखिए लाइनों में लगे हैं, जेंट्स के लिए इधर और लेडीज़ों के लिए उधर का व्यवस्था बनाया गया है। आने वाले टाइम में भी डेवलपमेंट होगा, और देखिए फसाड लाइटिंग के चलते ना यात्रा गेट का एक अलग ही व्यू आप देख पा रहे होंगे। ऐसे ऊपर जाने का रास्ता है, और ऊपर जाके आप वेट करेंगे। इधर एरिया भी काफ़ी खाली कराया गया है, इधर भी आने जाने का अलग डाइवर्जन किया गया है। तो चलिए चेकिंग के बाद आपसे मिलते हैं, और याद रखिएगा यात्रा में आप आ रहे हैं तो टैबलेट, लैपटॉप, वीडियोग्राफी कैमरा ये सब अलाउड नहीं है। दूरबीन वगैरह कुछ भी आप नहीं ले जा सकते, हथियार वगैरह भी कुछ भी नहीं ले जा सकते, सिर्फ आपका जो फोन वगैरह है ये अलाउड है, ध्यान रखिएगा। काफी लोग पूछते कैमरा ले जा सकते, तो नहीं ले जा सकते। और देखिए इस प्रकार का कुछ व्यू है। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द। आशा करेंगे कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और माता रानी की संपूर्ण यात्रा घर बैठे करने वाले हैं। देख लीजिए पूरी तरीके से आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी। त्वया विना जगत सर्वं मृततुल्यं च निष्फलम्। सर्वसंपत् स्वरूपात्वं सर्वेषां सर्वरूपिणी रासेश्वर्यधिदेवी त्वं त्वत्कलाः सर्वयोषितः। जय माता दी। मेरे पीछे आप सभी भक्तगढ़ माँ भगवती जी की यात्रा में आने वाले बाणगंगा यानी बालगंगा के दर्शन कर पा रहे होंगे। कुछ इस तरह का यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है, और सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं, 7 बजे हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। देखिए इस तरह का प्यारा सा मनमोहक दृश्य, और भक्त आकर यहाँ पर स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद उनकी थकावट, उनकी कष्ट, जो भी उनकी दुख परेशानी होती है वो सब दूर हो जाती है।
अगर बाढ़ गंगा की प्राथमिकता की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पर माँ भगवती जी ने बाढ़ यानी तीर चलाकर गंगा को प्रकट किया था, इस वजह से इसे बाल गंगा कहते हैं। साथ ही साथ माता ने यहाँ पर अपने बाल यानी केस को धोया था, इस कारण से इसे हम बाल गंगा भी कहते हैं। तो घर बैठे आप इस डिजिटल यात्रा में ये महसूस कर रहे हो कि आप यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस पवित्र पावन जल में स्नान कर रहे हैं। चलिए स्नान करने के बाद आगे बढ़ते हैं और माता रानी के अगले पड़ाव पर आपसे मिलते हैं। आशा करेंगे कि आप जो है पूरा देख रहे होंगे। जय माता दी लिख दीजिएगा कमेंट में, अपनी हाजिरी लगा दीजिएगा। जय माता दी। मर्त्यलक्ष्मीश्च भूतले वैकुंठे च महालक्ष्मीर्देवदेवी सरस्वती गंगा च तुलसी त्वं च सावित्री ब्रह्मलोकतः। जय माता दी। अभी हम माँ भगवती जी की यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं और सबसे पहले ना आपसे प्राथमिक जानकारी शेयर कर दें। दरअसल कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो इस वजह से हमने जो है स्टार्टिंग में से शूट नहीं किया, बट अभी आई गेस माता रानी की कृपा से फ़ोन ठीक हो गया है। तो बात करते हैं प्राथमिक जानकारी में। सबसे पहले RFID कार्ड, ये कार्ड आप देख रहे होंगे और ये कार्ड नया हो चुका है, नवरात्रों में ही इसे इम्प्लीमेंट किया गया था, आपको मैंने बताया था। कार्ड देखिए आपको काउंटर पर आकर लेना पड़ेगा। जितने भी कटरा में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं वहाँ से आपको ईजिली RFID कार्ड मिल जाता है। RFID कार्ड लेने के लिए आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपके एरिया का पिन कोड मांगते हैं। अब कभी कभी क्या होता है वो आधार कार्ड मांगते हैं, कभी नहीं मांगते हैं। कई बार मुझसे मांगा गया तो मैंने शेयर किया कि हाँ आधार कार्ड लेके आओ, और इस बार मुझसे मांगा ही नहीं गया। फिर लोग कहते हैं कि आप जानकारी गलत देते हैं, लेकिन मेरी जानकारी दोस्तों गलत नहीं होती। अगर कार्ड लेने के लिए आपके पास ID कार्ड होगा ना तो वो अच्छा ही रहेगा, बेहतर ही रहेगा, कोई दिक्कत वगैरह उससे होगी नहीं। अब टाइमिंग बात कर लें तो सुबह 4 से लेकर रात 10 बजे तक काउंटर ओपन रहता है, आप कार्ड ले सकते हैं। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में और मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि जगह जगह पर ना जो कटरा का मेन चौक है जहाँ पर काउंटर है वहाँ पर मेंशन है कि 8 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना है, और काउंटर नंबर 2 पे वहाँ मैं गया वहाँ लिखा है 12 घंटे। तो समझ नहीं आ रहा कि क्या है। हालांकि 12 घंटे का ज़्यादा लोगों ने बोला कि 12 घंटे तक ही वैलिड है, जितने लोगों से मैंने पूछा, इवन इनके जो हेड थे उनसे भी मैंने बात की RFID कार्ड के, तो उन्होंने बोला 12 घंटे हैं। तो थोड़ा सा ना कंफ्यूजिंग है, लेकिन 12 घंटे आप मान के चलिएगा, ठीक है। धन्यवाद भैया, जय माता दी। तो देखिए इस तरह से, और जो बच्चे 5 साल से ऊपर हैं उन्हें RFID कार्ड लेना अनिवार्य है। तो बस आराम से इजिली प्रोसेस होता है ऑनलाइन। अगर आप RFID कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करा के आते हैं तो स्लिप अपना दिखा दीजिएगा काउंटर पर जाके, और आपको आराम से इजिली RFID कार्ड भी मिल जाएगा। चलिए आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अब इस डिजिटल यात्रा में ना आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दी। देखिए यही मुस्कुराहट, आपकी जो मुस्कुराहट है ना यही चाहिए, यही चाहिए। और ऐसे ही मुस्कुराते हुए पूरी यात्रा को फील करिए। देखिए यात्रा आप करेंगे आपको ऐसा महसूस तभी होगा जब आप इसको फील करेंगे। फील करते हुए चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप यात्रा कर रहे हैं और भजनों का आनंद तो आप ले ही रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा में आने वाले एक और पड़ाव यानी श्री चरण पादुका मंदिर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मेरे पीछे आप मंदिर के बाहर से दर्शन कर पा रहे होंगे कुछ इस तरह का दृश्य। फिलहाल सुबह के लगभग 7:30 बज रहे होंगे और हम चरण पादुका मंदिर प्रांगण तक पहुँचे हुए हैं। अभी बहुत ही कम भक्तों का चहल पहल है और इस समय ना भक्तों की रौनक बहुत ही कम देखने को मिल रही है, नहीं तो इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक देखने को मिलती थी जब कभी हम आते थे। लेकिन हालांकि अभी मंदिर जो है वो बंद है और 8:30 बजे के आसपास मंदिर खुलेगा तो फिर अंदर जाके दर्शन हो पाता है। तो हम बाहर से ही मत्था टेक कर आगे बढ़ेंगे क्योंकि मंदिर है बंद, लेकिन जब भी आप यहाँ पर आएँ अंदर जाकर मत्था टेक के दर्शन करें। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड है नहीं, तो वो चीज़ को हम कैप्चर करने वाले हैं नहीं।
बस आप बाहर से महसूस करिएगा कि आप यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ की अगर कथाओं की बात करें तो जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रहे थे तो माता रानी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के पवित्र पावन चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हो गए और आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती है और यहाँ पर अंदर जाकर माता रानी के पादुका के दर्शन करती है। आप लोग भी देखिए, दर्शन करिए, काफ़ी यहाँ पर सजावट भी किया गया था नवरात्रों के टाइम, अभी भी सजावट आपको देखने को मिल जाता है। और इधर आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक LED बोर्ड भी लगाया गया है, जब मंदिर खुला रहता है तो बोर्ड में भी आप बाहर से दर्शन करते रहते हैं, रात में भी काफ़ी अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने को मिल जाता है। चलिए अब यहाँ से हम ना आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि जो खुशी है ना माँ भगवती जी के दरबार जाने की वो अलग ही है। बहुत खुशी होती है कि माँ भगवती जी हमें अपने दरबार बुला रही हैं। तो बस आगे बढ़ते हैं, कोशिश करिएगा इन सीढ़ियों पर भी जब आप बैठ रहे हैं ना तो अपने शूज़ को हटा के या सैंडल वगैरह या स्लीपर वगैरह को हटा के ही बैठिए। कई बार लोग इस पर ऐसे ही चढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा अनवांटेड हो जाता है। और मेरे पीछे वो कौन सा मंदिर है ज़रा कॉमेंट करके बताइएगा ज़रूर। जय माता दी। जय माता दी। अभी हम माता रानी जी की यात्रा ट्रैक में मौजूद है और अब समय है आपसे कुछ सर्विसेज की जानकारी शेयर करने की। जैसे आप माँ भगवती जी की यात्रा में आगे बढ़ते रहते हैं, यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आपको सर्विसेज मिलते हैं, जैसे घोड़ा हुआ, पालकी हुआ, पिट्ठू हुआ, उसकी कॉस्टिंग की जानकारी शेयर करेंगे आपसे। देखिए बात करें अगर घोड़े की, मेरे पीछे आप देख भी रहे होंगे घोड़ा है, घोड़े का जो कॉस्ट है, घोड़े का कॉस्ट अगर बाणगंगा से अर्धकुंवारी की बात करें तो बाणगंगा से अर्धकुंवारी का 650 है, और वहीं अगर बाणगंगा से भवन की बात करें तो 1250 है। इसके साथ साथ अगर पालकी की बात करें तो पालकी का कॉस्ट बाणगंगा से हर्द्वारी का 3700 रुपये के आसपास है, अगर आपका वेट 100 किलो से कम होता है। अगर ज़्यादा होता है तो प्राइस बढ़ जाएगा। और अगर बात करें बाणगंगा से भवन का तो लगभग 4100 से ऊपर है, कॉस्टिंग डिपेंड करता है आपके वेट के ऊपर ही, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं पिट्ठू का कॉस्ट है बाणगंगा से जो है हर्द्वारी का 340 और बाणगंगा से भवन तक का 540। तो कुल मिला के इस प्रकार से जो है वो सर्विसेज मिलती हैं और इनका कॉस्टिंग इसी तरह से होता है। इसके अलावा आप हमारी डिटेल वीडियो देख लीजिएगा जिसमें हमने पूरा कॉस्ट बताया है कि कितना कितना कॉस्ट, डॉर्मेटरीज, रूम्स, हेलीकॉप्टर, बैटरी कार, सबका जो है उसमें मैंने डिटेल तरीके से बताया है। हेलीकॉप्टर की बात कर लें तो आपका हेलीकॉप्टर मिलता है कटरा से सांझी छत का, जिसका कॉस्ट लगभग 2100-2200 रुपये के आसपास होता है। उसके साथ साथ अगर बात कर लेते हैं बैटरी कार का, तो बैटरी कार का कॉस्ट जो है वो लगभग 350 रुपये होता है। अगर आप भवन से अर्धकुंवारी आते हैं और अर्धकुंवारी से भवन जाते हैं तो 450 रुपये इसका कॉस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। रोपवे की बात कर लें, रोपवे का कॉस्ट 100 रुपये है, आना जाना दोनों साइड का। रूम डॉर्मेटरी की बात करें, रूम का कॉस्ट दुर्गा भवन का 3400 रुपये है, न्यू कालिका भवन का 3400 रुपये है, और अगर आप ऐसे लेते हैं तो 900 रुपये, 1600 रुपये गौरी भवन और वैष्णवी भवन का अलग अलग बेड का कॉस्ट होता है। और डॉर्मेट्री की बात करें तो चाहे आप कटरा में लीजिए, भवन पे लीजिए, सब डॉर्मेट्री का कॉस्ट नॉन एसी का 150 है यानी 150 है, और अगर आप कटरा में एसी लेते हैं तो 200 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। त्रिकुटा भवन, आशीर्वाद भवन, इसके साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा, यहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिलती है। और अर्धकुंवारी पे है शैलपुत्री भवन, वहाँ पे आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है। भवन पे मनोकामना भवन है, वहाँ पे डॉर्मेट्री मिल जाती है। दुर्गा भवन के अंदर भी डॉर्मेट्री है लेकिन वो ऑफलाइन के लिए है और वो डिपेंड करता है कि उस समय एबिलिटी है कि नहीं उनके पास, तो उस हिसाब से फिर वो डॉर्मेट्रीज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। कुछ इस प्रकार की सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं माँ भगवती जी की यात्रा में। कुछ सुविधाएं अगर मिस हो जाए तो कमेंट भी पूछ लीजिएगा। बाकी वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर चैनल पर जाके सर्च कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ रहे हैं और अलग ही खुशी है। जय माता दी। शुष्क कंठोष्ठ तालुका।
माता दी। देखिए हमारे साथ आंटी जी मौजूद हैं जो कि भानु जी की मम्मी हैं, और सबसे पहले तो आंटी से पूछेंगे, आंटी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी आप काफी टाइम बाद आई हैं, काफी परिवर्तन हो गया है, आप देख रही होंगी, और आनंद आ रहा होगा यात्रा में। एकदम आनंद। चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और हम लोग आगे चलते रहें। अच्छा, पहले और अब में बहुत फर्क है। हाँ, फर्क तो है। आप पहले आई थी तो कैसे आई थी, मतलब पैदल आई थी घोड़ा वोड़ा पे? नहीं, पैदल आई थी। पैदल आई थी, पैदल आई, सभी बच्चों को लेके पैदल। हाँ, लगभग कितने साल पहले आई होंगी? अरे 15-20 साल हो गया होगा। 15-20 साल पहले, अब मैं तब में बहुत अंतर है। बहुत अंतर हो गया है। सुविधाएं जहाँ हम लोग रुके हुए थे वो सब व्यवस्था सब व्यवस्था सही है, है ना? एकदम अच्छा था, एकदम अच्छा। यात्रा भी हम लोग का बढ़िया चल रहा है, एकदम मस्त। ठंडा लग रहा है? नहीं नहीं, ठंडा नहीं लग रहा है, चलने पर ठंडा नहीं लग रहा है। हाँ, रुक रहा है तो हल्का फुल्का महसूस हो रहा है, उस भी अभी नहीं लग रहा है। अच्छा, चलिए खुशी देख रहे होंगे आप लोग, एक अलग ही खुशी है माँ के दरबार में दर्शन करने का। और अभी हम ऐसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं माता रानी को याद करते हुए, पीछे देखिए हमारी दीदी भी आ रही हैं और भानु पीछे पीछे आ रहे हैं। दीदी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लग रहा है स्वर्ग में आ गए। क्या बात है, तो एक अलग ही खुशी हो जाती है। अच्छा दीदी, आप बहुत छोटी थी तब आई होंगी? हाँ, बहुत छोटे थे, आए थे तो बाढ़ गंगा पे साथ छूट गया था। अच्छा, साथ साथ चल रहे नहीं, अब हम लोग एक्टिव हो गए तो थोड़ा सा आइडिया लग गया है। कोई नहीं, तो बस ऐसे चेंजेस भी आ गया है, काफी ना? परिवर्तन पहले से, पहले से बहुत चेंजेस आ गया है। चलिए चलिए, दीदी भी मेरी वीडियो देखती हैं। अच्छा, आप वीडियो में देखती थी कुछ दिन पहले से, हम लोग का प्लान था कि आना है। हाँ, आप देखती थी, एक्साइटेड था कि हाँ भाई आना है, आना है। बस एक्साइटमेंट इतनी थी कि ये 2-3 महीने से पहले प्लानिंग हो रही थी हम लोग की, अब जाके खत्म हुई है फाइनली। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और माता रानी जी की यात्रा में आगे बढ़ते रहिए, और जय माता दी कहते रहिए। पुण्यं सर्वदेवैः कृतं शुभम् यः पठेत् प्रातरुत्थाय स वै सर्वं लभेत् ध्रुवम् अभार्यो लभते भार्यां विनीतां सुसुतां सती। जय माता दी। हम पहुंच चुके हैं इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। सामने आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय देखने को मिल जाएगा, और ये इंद्रप्रस्थ भोजनालय है। इसके जस्ट यहाँ से दो रास्ते डाइवर्जन है। एक रास्ता है जो आप अर्धकुआरी से होते हुए जो है वो आप पहुँचेंगे माता रानी के भवन ऐसे करके ऐसे, और ये रास्ता डायरेक्ट है। अगर आपको बैटरी कार लेना है तो डायरेक्ट आप इससे चले जाइए, और ये भी रास्ता आपको लेके जाएगा हिमकोटी मार्ग से अर्धकुआरी की ओर। ठीक है, इस तरह से आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ से जो है भवन वाया हिमकोटी मार्ग यही है, और भवन हाथीमथा मार्ग ये है, और लंगर के लिए भी यहाँ से देखिए 50 मीटर के आसपास लंगर भी है। तो आप लंगर भी, जो लंगर प्रसाद है वो ग्रहण कर सकते हैं, और अर्धकुआरी भी जो नया लंगर खुला हुआ है। तो ऐसे आइए, ऐसे चले जाइए, और या तो फिर आप ऐसे सीधे इधर जो है हिमकोटी मार्ग से भवन निकल जाए अगर आप अर्धकुआरी स्किप करना चाहते हैं। लेकिन हम ऐसे चलेंगे और ऐसे जो घूम के दर्शन करके फिर उसके बाद जैसे नीचे आएंगे और बैटरी कार काउंटर पर पहुँचेंगे, बिकॉज फैमिली में जो लोग उनकी बैटरी कार है, मैं पैदल जाऊँगा उनकी बैटरी कार, तो बैटरी कार यहाँ पर आएंगे तो उसकी जानकारी आगे देंगे। चलिए अब इस मार्ग से आगे बढ़ते हैं, और आप लोग जय माता दी बोलते रहिए हमारे साथ। देखिए इस यात्रा में आपको अनुभव तभी होगा, फील आप तभी करेंगे जब आप जय माता दी बोलेंगे। अब बोलना कैसे है? कॉमेंट के जरिए, कॉमेंट में जाके जय माता दी कहते रहिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए हमारे साथ हमारे एक भैया मिले हुए हैं जो कि ट्रेन राइडर के फैमिली मेंबर है, वीडियोस देखते रहते हैं। पहले इनका नाम जानते हैं, आपका नाम? मिथुन कुमार है। कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से हैं, माता रानी के दर्शनों के लिए आए हुए हैं। और अभी तक का सफर आपका कैसा रहा? सफर बहुत अच्छा रहा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं, आराम से गया और आराम से आए। क्या दर्शन भी हो गया? दर्शन भी कर लिए। अरे वाह, क्या बात है, कैसे दर्शन हुए? बहुत बढ़िया। भवन पे रश वगैरह? नहीं, कोई रश नहीं, एकदम आराम से, एकदम आराम, बहुत आराम। और ठंड वगैरह कुछ? ठंड कुछ ज्यादा नहीं है, कम है, कम है, नॉर्मली सा ठंड, नॉर्मल। चलिए चलिए, बड़ी अच्छी बात है। भैया मिले हुए, वीडियो कैसी लगती है? अच्छी लगती है बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, एक जयकारा हो जाए। जयकारा मशेरा वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। डिजिटल यात्रा में हम पहुंच चुके हैं माता रानी के अर्धकुआरी मंदिर के बहुत ही पास, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर पूरे एरिया को कवर कर दिया गया है और कंस्ट्रक्शन के काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इधर है अपना मैगडी, नो ओनियन नो गार्लिक प्योर वेज, तो आके आप मैगडी में भी बर्गर का आनंद ले सकते हैं, मेरा तो फेवरेट है, फिलहाल अभी बंद है। और हम आगे इधर बढ़ते हैं, अगर आपको करना है लंगर प्रसाद ग्रहण लंगर में जाके, तो आगे बढ़ के ऐसे होके आप आगे बढ़ेंगे शीतला भवन की ओर। सामने शीतला भवन है और उसी के अंदर लंगर बना हुआ है। चलते हैं आगे, लंगर के ऊपर स्नान करेंगे। इधर देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर
कुछ इस तरह का दृश्य है। और अगर आप गर्भजून आरती अटेंड करना चाहते हैं, बिना लाइनों में लगे दर्शन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा लंबी समय का इंतज़ार आपको ना करना पड़े, आपको गुफा से दर्शन हो जाए, तो आप 300 रुपये का एक डोनेशन अमाउंट पे करके आप माता रानी के पवित्र पावन आरती में शामिल हो सकते हैं। आपको 5 मिनट का प्रसाद भी दिया जाएगा और आरती के तुरंत बाद आपको गर्भजून दर्शनों के लिए भेजा जाएगा। ये देखिए समय लिखा हुआ है, गर्मियों की बात करें तो सुबह में 6 से 7, सर्दियों में 7 से 8, और विंटर यानी सर्दियों की बात करें तो सुबह में 6 से 7 और शाम को भी 6 से 7। इस तरह का पूरा विवरण यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पूरा बताया गया लोगों को। अब देखिए, जब मैं आया था तो मैंने बताया था कि कुछ नया बन रहा है। नया क्या है? डोनेशन काउंटर जो ये था, अब उसको चेंज करके नया डोनेशन काउंटर ये बना दिया गया है। और देखिए ये है नया डोनेशन काउंटर, आपके सामने दिख रहा होगा, जहाँ पर आर्थिक स्लिप 300 रुपये लिखा भी है। और ये पूरा अर्धकुआरी प्रांगण का नज़ारा है, भव्य, आप देख रहे होंगे, आपका स्वागत है, यहाँ पे दर्शन कर लीजिए यहाँ से। और अभी इस तरह का नज़ारा देखिए, एक रास्ता ऐसे जाता है भवन की ओर और एक रास्ता जाता है ये, इधर से आप होके आगे बढ़ेंगे और इस मार्ग को कहते हैं हाथी मत्था मार्ग। इसी मार्ग पर लंगर स्थित है और लंगर प्रसाद आप ग्रहण करते हैं इसी मार्ग से होकर। अब काफ़ी श्रद्धालु, इनको पता नहीं होता ना, तो वो इस मार्ग का सिलेक्शन कर लेते हैं और वो भवन की ओर बढ़ने लगते हैं। ये थोड़ा टफ मार्ग होता है, लेकिन फिर भी आप भवन इससे भी पहुंच जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन आसान मार्ग आपको हेमकोट ही पड़ता है। अब जिनको लंगर प्रसाद ग्रहण करना है वो तो इस मार्ग से डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। पिछली बार हम आए थे तो लंगर प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाए थे नवरात्रों के टाइम, लेकिन इस समय मेरा पूरा प्रयास है कि मैं लंगर प्रसाद को ग्रहण करूं और इस डिजिटल यात्रा में आपको भी महसूस करा पाऊं। तो चलिए आगे मिलते हैं क्लिप में, आप जुड़े रहिएगा। जय माता दी। सुशीलाम सुंदरीम रम्यामति सुप्रिय वादिनीम पुत्र पौत्र वतिम शुद्धाम कुलजाम कोमलाम वराम अपुत्रो लभते। लंगर के पास यही लंगर है, लोकेशन याद रखिएगा, भगवान शिव जी का मंदिर है और शैलपुत्री भवन है, ऐसे आना है आपको। और यह है लंगर प्रसाद ग्रहण करने के लिए लंगर, यहाँ पर लाइन अभी भी लगा हुआ है, हम भी लाइनों में लगते हैं। और लाइनों में लगने के बाद अंदर चलते हैं ना, तो अंदर का जो भी जानकारी है और लंगर प्रसाद में कैसे क्या दिया जाता है वो सब शेयर करते हैं। और पानी के लिए देखिए बाहर व्यवस्था बनाया गया है, हैंड वॉश करने के लिए सुविधा है। और ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत अच्छा पहल किया गया है, लाइन बाई लाइन सबको छोड़ा जाता है, लंगर प्रसाद ग्रहण करिए और वापस आ जाइए। लंगर का प्रसाद बाहर ले जाना सख्त मना है, ये भी ध्यान रखिएगा। लाइन में लगते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर मिलते हैं। जय माता दी। पुत्रम वैष्णवम चिरजीविनम। जय माता दी। ये देखिए हमें मिल चुका है लंगर और ये लंगर प्रसाद हम यहाँ पे ग्रहण करेंगे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा व्यवस्था किया गया है, आप खड़े होकर भी लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, बैठने की व्यवस्था भी है, वॉशरूम की व्यवस्था भी है, आप देख सकते हैं सामने टॉयलेट वगैरह, और पूरा ये अर्धकुआरी का लंगर प्रांगण है। इस तरह से आप आके यहाँ पर लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। चलिए लंगर प्रसाद ग्रहण करते हैं और आप लोग भी डिजिटल यात्रा में महसूस करिए कि आप लोग भी लंगर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। जय माता दी। जय माता दी। माँ भगवती जी के पवित्र पावन आधे पड़ाव अर्धकुआरी तक हम पहुँच चुके हैं यात्रा करते करते, और अभी हमने लंगर प्रसाद ग्रहण किया है। आप लोगों ने भी हमारे साथ लंगर प्रसाद को ग्रहण करके उसका आनंद प्राप्त किया होगा। वर्चुअली पूरा डायरेक्शन शेयर कर दिया है, कैसे आप शीतला भवन तक जाकर लंगर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। टाइमिंग्स आपके स्क्रीन पर होगी, ठीक है, ये टाइमिंग होता है लंगर का। और अंदर आपको दाल चावल मिलता है, अलग अलग प्रकार की दाल कढ़ी वगैरह, चावल कढ़ी वगैरह ऐसे मिल जाता है, जैसे कि मेनू रहता है अलग अलग दिन का, तो वैसे मिलता है। अब देखिए ये प्रांगण देख रहे होंगे और यहाँ पर बिल्कुल चहल पहल कम ही देखने को मिल रहा है, धूप खिला हुआ है। तो वेदर का अपडेट ये कि दिन में तो आपको गर्मी लगेगा, लेकिन जैसे जैसे रात होगा तो आपको ठंड लगेगा, इसलिए गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा। अब बात करें यहाँ के मान्यता की, तो जैसा कि आपको पता ही था कि जब भैरवनाथ जी माँ भगवती जी का पीछा कर रही थी, तो माँ भगवती जी एक पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या कर रही थी। इसी कारण से इस गुफा का नाम पड़ा गर्भजून गुफा। और आज भक्तगढ़ जो है आकर इस गुफा में दर्शन करते हैं, 9 महीने तक जहाँ माँ भगवती ने अपने तपस्या को पूरा किया, भक्त जाकर धन्य होते हैं और उनके सभी दुख और तकलीफ और कष्ट का नाश हो जाता है और वो खुशी मन से आगे बढ़ते हैं, माँ भगवती उनकी मनोकामना भी पूर्ण करती हैं।
अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आ सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बता दिया था कि आरती के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, आरती अटेंड कर सकते हैं। वैसे ऐसे भी अगर करना चाहते हैं तो इस समय, आज का डेट है 26 अक्टूबर 2024 और आज के दिन लगभग 12 से लेकर 20 घंटे तक का वेटिंग समय चल रहा है, जितना मैंने यहाँ पे इंक्वायरी किया हुआ है। ठीक है, तो आप आइए, दर्शन करिए, खुश हो जाइए, मन को धन्य कर लीजिए और इस मार्ग से अब हम आगे बढ़ेंगे माँ भगवती जी के भवन की ओर। जय माता दी। जा रहे फिलहाल बैटरी कार के लिए, तो हम इधर से जा रहे क्योंकि हम अर्धकुआरी पहुंचे थे और अर्धकुआरी के बाद हमें लगा कि बैटरी कार का जो स्लॉट है वो इधर है। अब एक बड़ा कंफ्यूजन ये हो गया कि टाइमिंग था 1 बजे का, हमने सोचा था ऐसा, लेकिन है 10 बजे का। अब जा रहे, देख रहे हैं कि क्या होता है, मिल पाता है कि नहीं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 10:30 हो रहे हैं और आई गेस मिल जाएगा, और देखते हैं कि कैसे मिलता नहीं मिलता वो देखते हैं, आगे डिसाइड करते हैं, फिर बताते हैं आपको। आगे ही बैटरी कार का स्लॉट है और माता रानी कृपा रही, तो आई गेस मिल जाएगा बैटरी कार का स्लॉट, मुझे लग रहा है। बस आपको ऐसे ही देखिए आना है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट आना चाहते हैं तो डायरेक्ट आ जाइए, नहीं तो ऐसे घूम के आना चाहते हैं तो घूम के आ जाइए। इस तरीके से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब आगे मिलते हैं आपसे, हमारे साथ बने रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी। हम काउंटर पे पहुंच चुके हैं देखिए, और यहाँ पर अलग अलग ट्रिप रहता है। पहला ट्रिप 8 बजे का है, दूसरा ट्रिप 10:30 बजे का है, तीसरा 1:30 बजे का, यानी 1:30 का, और तीसरा 3:30 बजे का है। उसके बाद 5:30 बजे, 7:30 बजे, ऐसे यहाँ पर ट्रिप चलता है। और ये ऑफलाइन वालों की लाइन है, लेकिन अगर आपका ऑनलाइन है तो ऑनलाइन वालों की लाइन आगे है। ठीक है, वो काउंटर खुल चुका है, मैं लाइन में लगता हूँ। ये है इनकी लाइन जिनकी ऑनलाइन हुई है। अब मेरी भी ऑनलाइन है तो मैं यहाँ पे लाइन में आके लगता हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि क्या होता है। लाइन काफ़ी लंबी है, अभी देख लेता हूँ क्या है और उसके बाद फिर मिलते हैं। जय माता दी। तो ये लाइन है लंबी और आई गेस आपको मिल जाएगा। जय माता दी। नो लभे कीर्तिम प्रतिष्ठां च लभे ध्रुवम् सर्वमंगलदं स्तोत्रम् शोक संताप नाशनम् हर्षानंदकरम् शश्वत् धर्म मोक्ष सुहृत् प्रदम् कृतम् श्री लक्ष्मी स्तोत्रम् संपूर्णम्। जय माता दी। अभी हम हेमकोठी मार्ग पर मौजूद हैं और सबसे पहले आपसे शेयर करते हैं जानकारी जो है बैटरी कार की। देखिए, किसी प्रकार से कोई भी सुविधा का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं, पहला कमिटमेंट और पहली जानकारी और आपके लिए पहला इंस्ट्रक्शन यही रहेगा कि सारी बुकिंग 3 महीने पहले ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट से करके आइए। यहाँ ऑफलाइन के भरोसे ना रहिए, क्योंकि यहाँ ना ऑफलाइन मिलना बड़ा ही मुश्किल है। अब देखिए, मेरे साथ जो फैमिली थी भानु की, वो लोग बैटरी कार से आगे चले गए और मैं पैदल जो है हेमकोठी मार्ग से माँ भगवती जी के भवन की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। बैटरी कार अगर आपका ऑनलाइन बुक्ड है तो 1/2 घंटे पहले रिपोर्ट करिए। अगर 10:30 बजे पहला ट्रिप है तो 10 बजे रिपोर्ट करिए, उसके बाद वो आपको व्हीकल नंबर अलॉट करेंगे और उस हिसाब से आप जो है वो आगे बैटरी कार के माध्यम से भवन की ओर प्रस्थान करेंगे। तो इस तरह का पूरा ये जानकारी रही बैटरी कार की। और ऑफलाइन अगर बात करें तो आके लगिए, अगर ऑनलाइन के बाद स्लॉट अवेलेबल होगा देन आपको मिलेगा। चार्जेस आपको पता ही है, अर्धकुआरी से भवन का 450 और भवन से अर्धकुआरी का 350, ऐसा ही कॉस्ट है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वर्क करती है। हेमकोठी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग महसूस करते रहिए हमारे साथ कि हेमकोठी मार्ग पर आप बने हुए इस यात्रा में आप यहाँ तक पहुँचे हैं। महसूस करना बहुत ज़रूरी है, फील करते रहिए और हमें बताते रहिए कि आप हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कमेंट में जय माता दी लिखते हुए, अगर ये आप लाइव में देख रहे हैं, लाइव प्रीमियम चल रहा है, तो जय माता दी लिख दीजिएगा। जय माता दी। अभी हम माता रानी जी की यात्रा में आगे बढ़ रहे थे और हमसे मिल चुके हैं हमारे ट्रेन राइडर के कुछ नए फैमिली मेंबर जिन्हें हम यूट्यूब पे सब्सक्राइबर कहते हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम जानेंगे। सुनील कुमार। आपका नाम भैया? पारस। आपका नाम? प्रियंका।
देखिए इतने लोग मिले हुए हैं, कहाँ से भैया? जलंधर पंजाब से। जलंधर पंजाब से हैं, पास के ही हैं, माता रानी कृपा से मुलाकात हुई यात्रा में और अलग से खुशी हो रही लिटरली। चलिए पंजाब के तो आते रहते होंगे। हाँ हाँ जरूर आते रहते हैं, साल में एक बार दो बार भी आए थे कभी, जैसे बुलावा आता जैसे है। उन्होंने बुलाया हम आगे और आपसे मिलना था हमने इस बार। अरे स्पेशली आपको फॉलो किया है हमने। वीडियोस कैसी लगती है? बहुत अच्छी वीडियो लगती है, जानकारी मिलती है उसमें। हाँ, बहुत पूरी जानकारी मिलती है। चलिए चलिए हाँ। तो अच्छा लगता है जब लोग मिलते अच्छा हैं, बड़ी खुशी मिलती बहुत है खुशी। और भैया से मिलके और अच्छा लग रहा है क्योंकि जानते हैं माता रानी ने एक सही समय और जगह निर्धारित किया रहता है मिलने का। हम यहाँ पे मिल रहे तो खुशी ही अलग है। एक जयकारा हो जाए, जयकारा मां शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। चेटी भवन निखिल केटी कदंब तरुवाटी शुना कपटली कोटीर चारु तर कोटी मणि किरण कोटी करंबित पदा पाटीर गंधि कुच शाटी कवित्व परिपाटी मगाधि पसुता होटी कुलादधिक धाटी मुदार मुख वीटी रसेन तनुताम कुलादिगामी भय तूला वली ज्वलन कीला निजस्तुति विधौ कोलाहल क्षपित काला मरी कुशल कीलाल पोषण नभा स्थूला कुचे जलद नीला कचे कलित लीला कदंब विपिने शूलायुध प्रणतिशीला भवतु हृदि शैला। जयकारा माँ शेरावालिदा बोलिए सांचे दरबार की जय। घर बैठे आप सभी माता रानी के प्यारे भक्तजन माँ भगवती जी के पहले भवन के दीदार व दर्शन कर रहे होंगे। हिमकोटी मार्ग से जैसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं तो इस मार्ग की खासियत यही है कि माता रानी के भवन के दर्शन सबसे पहले यहाँ से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि बस हम माता रानी के भवन की ओर पहुँच ही चुके हैं। माता रानी के दर्शन करने के लिए बस अब कुछ ही समय का फासला बचा हुआ है। इस भवन के दीदार दर्शन आप सब घर बैठे इस डिजिटल यात्रा के माध्यम से कर पा रहे होंगे तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। कुछ समय का और फासला है और भवन पहुंच ही जाएंगे। देखिए यहाँ से जब आप वापस अपने घर की ओर जाते हैं ना तो बस यही होता है कि माता रानी दोबारा कब बुलाएंगी। हम ऐसा महसूस करते हैं ना कि जैसे हम यहाँ पहुँचते हैं तो ऐसा लगता है कि माँ भगवती जो है खड़े होकर हमारा रास्ता देख रहे हैं, हमें बुला रही कि जल्दी भवन आओ। और जब वापस जाते हैं इस मार्ग से और यहाँ खड़े होकर मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि माता रानी कह रही है कि जाओ बेटा मैं फिर तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगी। खड़ी होकर हमें जो है भेजती हैं, जैसे घर से हम जब बाहर निकलते हैं हमारे गार्जियन हमारे पेरेंट्स हमें भेजते हैं और देखते रहते हैं जब तक हम वापस नहीं चले जाते, जब तक हम उनकी आँख से ओझल नहीं हो जाते तब तक वो हमें देखते रहते हैं। वैसे माता रानी भी यहाँ खड़ी होकर हमें देखती रहती है। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सब हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिएगा। और ये नज़ारा है हिमकोटी मार्ग का जहाँ पर भक्तों का चहल पहल देखने को मिल रहा होगा। काफ़ी उत्सुकता बनी रहती है भक्तों के मन में। देखिए कैसे अंकल जी ने हाथ जोड़ा, मतलब उन्हें भी ये पता है कि यहाँ से माता रानी के भवन के पहले दीदार होते हैं, दर्शन होते हैं, तो मन खुश हो जाता है। और देखिए इस प्रकार से श्रद्धालुओं की चहल पहल है। तो जय माता दी बोलते रहिए और आगे हमारे साथ बढ़ते रहिए। जय माता दी। यत्राशयो लगति तत्रा गजा वसतु कुत्रापि निस्तुल शुका सूत्राम काल मुख सत्राशन प्रकर सूत्राण कारी चरणा छत्रा नीला तिरय पत्राभिराम गुण मित्रा मरी समवधू
पुत्रा सहन्मणि विचित्रा कृति स्फुरित पुत्रादिदान निपुणा द्वैपायन प्रभृति शापायुध त्रिदिवसोपान धूलि चरणा पापापहस्वमनुजापानुलीन जनता पापनोद निपुणा नीपालया सुरभि धूपालका दुरित कूपादुदं जयतु माम् रूपाभिका शिखरि भूपाल वंशमणि दीपायिता भगवती यालीभिरात्मतनुताली सकृत् प्रियकपाली सुखेलति भया। जय माता दी। भवन ऑलमोस्ट आ चुका है और अब बात करते हैं उस प्रश्न की जो आपके मन में हमेशा चलता रहता है और लोग कमेंट करके भी पूछते हैं कि हम इस दिन जा रहे हैं तो वेदर कैसा है, किस तरह का मौसम रहेगा। देखिए फिर से यही कहूँगा, वेदर की कंफर्मेशन जानकारी शेयर करना पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा वेदर रहने वाला है। लेकिन हाँ, करंट की जो वेदर है वो बता सकते हैं, पास्ट का वेदर बता सकते हैं कि हाँ भाई पिछले टाइम में कैसा वेदर था। फिलहाल देखिए ऑलमोस्ट जितने लोगों को मैंने अभी देखा है जो भी भवन से वापस आ रहे थे, सबने स्वेटर वेयर किया हुआ है। अभी मेरे सामने जो श्रद्धालु जा रहे हैं उन्होंने भी स्वेटर वेयर किया हुआ है। इसका मतलब कि माता रानी के भवन पे अब ना दिन में भी हल्का हल्का ठंड लग रहा है, तो अपने साथ एक नॉर्मल सा हुडी या गर्म कपड़ा जो भी होगा लेके आइएगा। रात का जो वेदर होगा वो तो लाइव में हम आपसे शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो यही है कि ठंड जो है भवन पे लगना शुरू हो चुका है, तो अपने साथ एक गर्म कपड़ा अवश्य कैरी करिएगा। रेनकोट अम्ब्रेला भी ले लीजिए, क्योंकि वेदर अनसर्टेन होता है, कब बारिश आ जाए, कब जो है वो वेदर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, कब सारी चीज़ें बदल जाए, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम तो यही कहते हैं कि भाई साहब अपने साथ जितने भी ज़रूरत के सामान हैं जो आप कैरी कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि हाँ आप लेकर आइए, तो अवश्य उन सामानों को अपने साथ ज़रूर लेकर आइएगा। और अगर आपके साथ बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो शॉल वगैरह भी ले लीजिएगा। शॉल रहेगा तो पूरी तरीके से कवरअप रहेगा और दिक्कत वगैरह आपको कुछ नहीं होगा और ठंड भी नहीं महसूस होगी। अगर ठंड लगेगी ना तो फिर आपका जो है शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, आपका हेल्थ इशू हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करिएगा कि अपने साथ एक गर्म कपड़ा अवश्य लेके आएगा। देखिए भैया आ रहे हैं और उन्होंने भी गर्म कपड़ा वेयर किया हुआ है। इस समय जो टाइमिंग है लगभग 12:30-1 बज रहे होंगे ऑलमोस्ट। हम देखिए भैया, आप देख रहे होंगे भैया को, देखिए इन्होंने वेयर किया हुआ है। इसके बाद देखिए और जो भैया थे उन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है। तो ये भी होता है ना कि कुछ लोगों के बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग होता है, कुछ लोगों को ठंड बहुत लगती है, कुछ लोगों को ठंड लगती ही नहीं, जैसे मुझे फिलहाल अभी नहीं लग रही है, लेकिन रात में भी ठंड लगने लगती है, मुझे काफ़ी टाइम में ठंड लगता है। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली बताता हूँ आपको, बाकी आप जो है पूरा प्रयास करिए कि पूरी तरीके से जो भी आपके पास ज़रूरत के सामान हैं वो लेके आइएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे माता रानी जी के भवन में मिलेंगे और मुझे आशा है कि आपके चेहरे की खुशी इसी तरह से बनी रहेगी। ये जो मुस्कुराहट है ना, जो मुस्कुराहट है आपकी प्यारी सी हंसी आपके चेहरे पर, यही चाहिए। इसी मुस्कुराहट के लिए हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके उतना मेहनत करें और डिजिटल यात्रा को बेहतर बनाएं। हंसते हंसते डिजिटल यात्रा को देखिएगा। अगर माता रानी को याद कर रहे हैं ना, तो माता रानी भी आपको याद कर रही हैं और वो यही सोचेंगे कि उनका बच्चा खुश रहे। इसलिए खुशी मन से यात्रा को देखते देखते अपने चेहरे पर स्माइल लाते रहिए और स्माइल का इमोजी भी कमेंट में जो है वो पिनअप कर दीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी। डिजिटल यात्रा देख रहे सभी दर्शनार्थियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है माँ भगवती जी के भवन में। माता रानी के भवन में फाइनली हम रीच कर चुके हैं और ये है पार्वती भवन। अगर आपको नहाना धोना है, फ्रेश होना है, आप जाके यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं, नहा धो सकते हैं और यहाँ पर आपको लॉकर की भी फैसिलिटी मिल जाती है। देखिए यहाँ पर सारी सुविधाओं के बारे में जिक्र किया गया है कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर, एक बार जूम करके दिखा देता हूँ और आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप जो है अब आगे बढ़ेंगे और माता रानी जी के जो है वो दर्शनों के लिए प्रस्थान करेंगे। कंस्ट्रक्शन के वर्क लगातार चल रहे हैं माँ भगवती जी के भवन में। और इधर देखिए प्रसाद शॉप है, अगर प्रसाद लेना है तो ले लीजिएगा यहाँ से आके, बिल्कुल खाली है। उतना ज़्यादा रौनक तो है नहीं श्रद्धालु का, लेकिन आराम से आप जो है वो आ सकते हैं। और इधर देखिए कंस्ट्रक्शन के वर्क लगातार चल रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि एक्सकलेटर ही बन रहा है, बट हाँ भाई हो सकता है चेंज ही आ जाए, लेकिन जितना मुझे नॉलेज है
मैं यही महसूस कर पा रहा हूँ, इस हिसाब से बन रहा है। अब आप लोग अगर आपको नॉलेज होगा तो बताइएगा ज़रा। आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए, और ये देखिए नंगे पांव यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आप भी अगर आइएगा तो संभल के चलिएगा। मुझे भी संभल के चलना पड़ रहा है क्योंकि बड़ा जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर कंकड़ वगैरह हैं, तो बच के रहिएगा, बच के चलिएगा थोड़ा सा देखते हुए, क्योंकि आपका पैर भी थोड़ा सेफ रहना चाहिए। और देखिए अब हम आपको माता रानी के भवन के ना सुंदर दर्शन कराने वाले हैं, जो कि इस नज़ारे से कराएंगे। ये जाली के झरोखों से आपको माता रानी जी के भवन के सबसे पहले दर्शन हो रहे हैं। माता रानी जी के भवन के दर्शन करिए और जय माता दी लिख दीजिएगा जल्दी से। मुझे आशा है कि आप लोग माता रानी जी के भवन के दर्शन कर पा रहे होंगे। देखिए कितना प्यारा लग रहा है माता रानी जी का भवन, और पूरी तरीके से धूप निकला हुआ है, देख सकते हैं इस तरह का वेदर यहाँ पे बना हुआ है। लोगों का चहल पहल थोड़ा सा कम है, लेकिन ठीक है, आप आना चाहते तो आ सकते हैं। अब देखिए इस धूप में तो आपको बिल्कुल भी गर्मी सा जो है महसूस उतना नहीं होगा, ना आपको ठंड लगेगा, नॉर्मल सा लगेगा। लेकिन हाँ, रात में ना भाई साहब चेंज होने वाला है वेदर। रात के लिए लाइव में जुड़िएगा तो बताऊँगा मैं, अगर लाइव नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हो सकता है लाइव बाद में आए। बट हाँ, ये देखिए धूप निकला हुआ, रोप वे की सुविधा भक्तों को मिल रही है, रोप वे अपना चल रहा है, भक्त लाइन में लगे हुए हैं। अगर आपका ऑनलाइन टिकट है तो आगे से एंट्री मिल जाएगी, एग्जिट यहाँ से होता है। ऑफलाइन तो आप पहले जाइए, टिकट लीजिए ऑफलाइन दुर्गा भवन से, उसके बाद एंट्री करिएगा। ये बैटरी कार का काउंटर है, आपको पता ही है, यहाँ पर आके आपको लगना पड़ता है ऑफलाइन के लिए। ये ऑफलाइन का काउंटर है इधर से, और ऑनलाइन का आगे से, अगर आपका ऑनलाइन बुक्ड है तो आगे से आपको लाइन में लगना पड़ेगा। देखिए कुछ लोग लगे भी हैं यहाँ पे और अभी लग चुके हैं। अब हमारा है मनोकामना भवन में बेड बुक, तो हम जा रहे हैं बेड लेने, और बेड लेने के बाद फिर माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जाएंगे। तब आपसे फिर मिलते हैं आगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मनोकामना भवन का भोजनालय और डॉर्मेट्री के लिए ये है, और आगे जाके दर्शन होगा माता रानी का, ठीक है। तो इधर एटीएम वगैरह की भी सुविधा आपको मिल जाती है। अब एंटर करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ़ से जय माता दी। माता रानी जी की यात्रा हम आगे करेंगे और आपको लेके चलेंगे दर्शन के लिए। जय माता दी। अरे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। देखिए माता रानी के प्यारे प्यारे भक्त जन हमसे मिल चुके हैं माँ भगवती जी के भवन में, जो कि हमारे ट्रेन आर्डर के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सबका नाम जानेंगे, आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार है। आपका नाम? गौरव। आपका नाम? जितेंद्र पवार। आपका नाम? अरविंद। आपका? शानू पवार। आपका नाम? सौरभ मिश्रा। आपका? हर्ष। कहाँ से आप लोग? हम खतौली से, मुजफ्फरनगर जिला खतौली से। खतौली से हैं, चलिए माता रानी के दर्शनों के लिए। दर्शन हो चुके हैं? नहीं नहीं, अभी अभी आए, अभी करना है। नीचे से चले हैं, शहर से, उत्तराखंड से। अच्छा, हम मेरठ से, उत्तर प्रदेश। अच्छा, अलग अलग जगह से। देखिए यही होता है, रिलेटिव सारे सब एक जैसे हैं, बस अलग अलग एरिया से। यही होता है कि माता रानी के भक्त में ना अलग अलग जगह से आपको अलग अलग भक्त मिलेंगे, और बड़ा खुशी होता है कि माता रानी के भवन में पहुंचे हुए हैं। अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? सारे बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। इनकी एनर्जी बता रही है कि कितने खुश हैं। वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है, बहुत लगती है। चलिए चलिए, माता रानी कृपा बस ऐसी बने, जयकारा हो जाए। जयकारा माँ शेरा वालिदा बोल सारे, जय जयकारा माँ वैष्णो दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हम आ चुके हैं अपने डॉर्मेट्री में, और ये देखिए मनोकामना भवन का ये जो है डॉर्मेट्री है, नीचे ही रिसेप्शन है। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको स्लिप दिखाना पड़ेगा, और उसके बाद वो जो है वो रूम नंबर बेड नंबर अलॉट करेंगे। अभी आपको अपना बेड भी दिखाने वाले हैं, तो चलते हैं अंदर और आपको बेड दिखा देते हैं कि कौन सा बेड मिला हुआ है। वॉशरूम भी है अंदर, टॉयलेट जेंट्स के लिए, वो देखिए सामने ही है। और इधर ये हमारा बेड है, इस तरह का देखिए बेड मिल जाता है, एक के ऊपर एक बेड होता है यहाँ पे। और इसका कॉस्ट 150 रुपीज़ होता है नॉन एसी, एसी तो खैर ऊपर कोई ज़रूरत है नहीं। इस तरह का आप देख लीजिए, पूरा बेड आपको दिखा दिया जा रहा है, इस तरह का पूरा बेड आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पिलो वगैरह भी मिल जाता है, इस तरह से पिलो वगैरह है, और इस तरह का जो है बेड का सुविधा मिलता है। अगर आप ग्रुप अटका आरती लेते हैं तो आपको भी यहीं पर बेड मिलेगा, और चार लोगों की ग्रुप अटका आरती होती है, उसमें आपको चार बेड देंगे। बेड जो है, अगर मान लीजिए आपकी अटका आरती है मॉर्निंग की, लाइक 7 जनवरी की आपकी आरती है मॉर्निंग की, तो 6 जनवरी को आप दोपहर को 12 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आके डॉर्मेट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका 7 जनवरी का इवनिंग में है, तो फिर आपको 7 जनवरी को ही दोपहर में ही आके लेना पड़ेगा। इस तरह से, मतलब सुबह में है तो एक दिन पहले ले लीजिए शाम दोपहर में, और अगर शाम में है तो उसी दिन मिलेगा, फिर आपका सुबह में चेकआउट करना पड़ेगा। तो इस तरह से पूरा जो है ना वो फैसिलिटी मिल जाती है, इस तरह की जो भी हमारा मनोकामना भवन का होता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से देखिए, अगर जो लोग अपना बेबी वॉकर लेके आते हैं तो वो यहीं पे रख देते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेबी वॉकर जो है वो रख देते हैं, और यहाँ पे देखिए पानी की सुविधा भी दी गई है, बिल्कुल फ्रेश पानी है, आराम से पानी वगैरह इस्तेमाल करिए। लेडीज़ टॉयलेट है,
और आई गेस जेंट्स टॉयलेट ये बंद है भाई साहब, उस साइड जाना पड़ेगा फिर जेंट्स टॉयलेट दिखाने के लिए आपको। तो इस तरह की पूरी फैसिलिटीज जो है यहाँ पर मिल जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा जब भी आप आ रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा हुआ है यात्री अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, कर लीजिएगा। बोर्ड दिया गया है, चार्जिंग वगैरह के लिए बोर्ड्स वगैरह दिया गया है, और सभी तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो आपको मिल जाती है। एक बार मैं आई गेस आगे चलता हूँ और आपको वॉशरूम दिखाई देता हूँ ताकि फिर आपको पूरी नॉलेज रहे, और उसके बाद जो है वो हम जो है वो दर्शनों के लिए प्रस्थान करने वाले हैं। और देखिए पूरा का पूरा अलग अलग तरह का बेड है, देखिए इसमें भी लोग जो है एक दो हैं इसमें, इधर लॉकर वगैरह लगा हुआ है, और अभी तो फिलहाल अंधेरा है थोड़ा सा, बट मैं ऐसे दिखाता हूँ। बेसिंग इधर है और इधर ये वॉशरूम वगैरह की सुविधा है, इधर इस तरह का टॉयलेट की सुविधा है, और इसमें है नहाने धोने की सुविधा। हालांकि लाइट अभी नहीं जल रहा, लेकिन गीज़र वगैरह लगा हुआ है, तो गीज़र लगा हुआ है इसका मतलब आप आराम से नहा धो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट है, आप ऑनलाइन बुकिंग इसका 60 दिन पहले कर लीजिए अगर आप नॉर्मल करना चाहते हैं। अगर आप ग्रुप अटकार्थी लिए हुए हैं तो उसमें आपको इंक्लूड मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा जय माता दी। काली नकुल्यसित चूली भरा चरण धूली लसन मुनि वरा बाली भृति श्रवसिताली दलं वहति याली कशोभिति लका साली करोतु मम काली मन स्वपत्नाली कसेवन विधौ न्यंका कदेव पुषि कंकाल रक्त पुषि कंकादि पक्षि विषये त्वं कामनामयसि किं कारणं हृदय पंकारि मेहि गिरिजा शंकाशिला निशित टंकायमान पद संकाशमान सुमना झंकारि मान तति मंकानुपेत शशि संकाश वक्त्र कमला कंबावती समविडुंबा गलेन नवतुंबा भवेन सविधा शंबाहुलेय शशि। जय माता दी। मेरे तिलक को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं। आप लोगों ने भी घर बैठे जो है माता रानी के तीन पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन प्राप्त किया होगा। दरअसल देखिए नारियल प्रांगण से हम वीडियो शूट नहीं कर सकते, और ना ही जो है वो हम आपको वहाँ से माता रानी के एलईडी के फोटोज़ या वीडियोज़ कैप्चर करके दिखा सकते हैं या वीडियो में इनरोल कर सकते हैं। बिकॉज मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग ना क्या करते थे कि अंदर जाके और बाहर के फ़ोन से अपना वीडियो बना के और यूट्यूब वगैरह पे या फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे, जिसके चलते अब वहाँ से भी वीडियो बनाना मना कर दिया गया। और जहाँ पर वीडियो फोटो अलाउड नहीं रहता है वो चीज़ हम कैप्चर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें उस रूल रेगुलेशन से चलना पड़ता है। अब देखिए बात कर लेते हैं इस समय की, आज की डेट है 26 अक्टूबर 2024, और इस समय भक्तों की रौनक काफ़ी कम है, बहुत आराम से दर्शन हुआ है। लगभग समझ लीजिए कि हमें 20 मिनट में दर्शन हो गया है। हम आए डॉर्मेट्री में, हमने आपको दिखाया है कि हम लोगों ने चेकिंग किया, उसके बाद हम लोग चले गए दर्शन करने, और माता रानी कृपा से एकदम खुले दर्शन। कोशिश करिए जब माँ भगवती जी के दर्शनों के लिए जा रहे हैं अपना सर ढक के जाइए, अंदर गुफा में जयकारा बिल्कुल भी ना लगाइए, और अगर कोई आपको समझाता तो उस चीज़ को मानिए, थोड़ा सा लोग मानते ही नहीं हैं। खैर कोई नहीं, हमें तो बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, माता रानी की खूब कृपा रही। अब माता रानी से हमने आपके लिए यही प्रार्थना किया है कि माँ भगवती आप सबको भी इस पवित्र पावन दरबार में बुलाए, साथ ही साथ माता रानी आपकी भी जो भी मनोकामना है उसे ज़रूर पूरा करे। हम यही माता रानी से प्रार्थना जो है आपके लिए करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस यात्रा में आप यहाँ तक पहुँचे हैं, अनुभव कैसा रहा आपका मुझे बताइएगा ज़रूर। अब देखिए यहाँ से इस तरह का पूरा व्यू है। अगर वेदर की बात कर ले भाई साहब, मौसम सिर्फ मौसम जानना है लोगों को, यही होता है यहाँ वेदर। और मैं वेदर अभी आपको बताऊंगा, फिर मैं अपने दोस्त से भी कंफर्मेशन करा दूंगा, जो मेरा मित्र भानु है उससे भी मैं कंफर्मेशन कराऊंगा कि मौसम में कितना चेंज होता है। भाई मैं गलत बोलूंगा लेकिन वो तो गलत नहीं बोलेगा। देखिए धूप दिख रहा है ना, लेकिन अभी देखिए कई लोगों ने स्वेटर वियर किया, हल्की हल्की हम लोगों को ठंड लग रही है इस समय। टाइम कितना हो रहा है भानु अप्रोक्स? 2:23 बताइए, 2:23 हो रहा है और इस समय हम लोगों को ठंड लग रहा है।
इस जगह पर। लेकिन हाँ, अगर आप धूप में जाएंगे तब आपको ठंड उतना नहीं लगेगा। तो ऐसा ही होता है भाई साहब, ऐसा ही होता है, अनसर्टेन वेदर है। लेकिन हाँ, गर्म कपड़ा, रेनकोट, अम्ब्रेला सब कुछ लेके आइएगा ताकि आपको दिक्कत परेशानी ना हो। अब हम यहाँ से चलेंगे, अभी दुर्लभ दर्शन वगैरह जो है करने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे थोड़ा, आपको और भी जो भी दृश्य वगैरह है वो दिखाएंगे, और फिर बाबा भैरव जी के दर्शन करने भैरव घाटी को प्रस्थान करके अपनी इस यात्रा को संपूर्ण बनाएंगे और आपकी भी यात्रा को संपूर्ण बनाने की कोशिश करेंगे जो आप घर बैठे देख रहे हैं। अब भानु जी को बुलाएंगे। भानु जी, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। जय माता दी। कैसा लग रहा है भानु जी? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दर्शन कैसे हुए? बिल्कुल दर्शन हुए, भीड़ तो एकदम नहीं था, एकदम एकदम नॉर्मली आराम से भक्त आए दर्शन करे। वेदर भाई साहब, वेदर आप बताइए जी। वेदर का बोले तो वेदर तो अभी इसमें एकदम खुला मौसम है, कहीं भी कुछ उतना ठंडी वगैरह नहीं है, लेकिन आप लोग अपने साथ गर्म कपड़ा जरूर लेके आए। अभी हम लोग यहाँ लग रहा है, अभी भी मौसम यहाँ चेंज हो सकता है। अभी हम लोग जब गए दर्शन करने, देखिए धूप में आप लोग गर्म लगेगा, हवा चल रही है, धूप में आपको लोग गर्म लगेगा, ऐसे निकलेंगे तो भाई ठंडा लगेगा हल्का हल्का। वेदर अनसर्टेन है। हम लोग कटरा में भी थे, कटरा में भी रात में हल्की ठंड लग रही थी, लेकिन दिन में सब कुछ वेदर वैसा ही था। लोग कह रहे थे भाई साहब मौसम के लिए गर्म कपड़ा ना लेके जाए, अगर ना लेके आते तो क्या होता है, हम लोग परेशान हो जाते ठंड के मारे। अभी हमें लग रहा है, हमने अभी रात में लोग मना कर रहे थे, आप लोग भाई ठंड का गर्म कपड़ा लेके जाए, लेकिन आप लेके आइएगा। तो चलिए, बहुत खुशी रही भानु जी फिर से आ गए फैमिली के साथ। सेफ्टी मेजर्स बना रखिएगा, अपना गर्म कपड़ा, अपना मेडिसिन वगैरह सब लेके आइएगा। डॉक्टर साहब हैं। चलिए, एक जयकारा हो जाए। जयकारा मां शेरावाली दा, बोलिए साचे दरबार की जय। जय माता बिम्बाभिराम मुख संबाधित स्तन भरा अम्बाकुरंग मद जम्बाल रोचिरिह लम्बाल का दिशतु मे बिम्बाधरा विनत शम्बायुधादिनिकुरम्बा कदम्ब विपिने इंधान कीरमणि बंधा भवे हृदय बंधावती वरसिका संधावती भुवन संधारणेप्यमृत सिंधाबुदार निलया गंधानु। जय माता दी। जय माता दी। देखिए, अभी हम लोग जो है वो भैरव घाटी जी के इस यात्रा ट्रैक में हैं और भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। काफी टफ चढ़ाई है भैरव घाटी की चढ़ाई टफ है। देखिए, आप नीचे से ऊपर तक आ जाएंगे, आपको थोड़ा सा जो है वो महसूस नहीं होगा उतना ज़्यादा, लेकिन जब आप भैरव बाबा की चढ़ाई करेंगे ना तो आपको लगेगा कि भाई साहब जो है ट्रैकिंग कर रहे हैं और भैरव बाबा इतनी ऊपर क्यों चले गए, क्यों माता रानी ने उनको इतना ऊपर भेज दी। लेकिन कोई बात नहीं, हर जगह की अपनी अपनी मान्यता होती है। और देखिए, अगर आप नहीं चल पाते हैं, चलने में असमर्थ हैं, रोपवे की सुविधा मिलती है जिसका कॉस्ट मात्र 100 रुपये होता है। हाँ, आना जाना दोनों बुकिंग कर सकते हैं आप पहले ही, और ऑफलाइन भी आके ले सकते हैं। देखिए, बस आ ही गया है, ये घबरा रहे थे कि इतना दूर है, हमको बस थोड़ा सा दूर है, चलेंगे और इससे हमारी अभी ठंडी हवा भी चलने लगी। हाँ, यही है ट्रैकिंग के वक्त। देखिए, ठंड नहीं लग रहा है, गर्मी सा महसूस हो रहा है, लेकिन जब हम लोग जो है रुक रहे हैं तो हल्की हल्की ठंड महसूस, लेकिन रात में ठंड लगेगा, इसीलिए गर्म कपड़ा लेके चले। हाँ, डेफिनेटली। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे मिलेंगे आपसे। अब कोशिश करिए ना कि अगर आप सीढ़ियों पर कम्फर्टेबल नहीं है तो सीढ़ियाँ ना ले, मेरे हिसाब से जो मेरा ओपिनियन है बाकी। हाँ, क्योंकि पूरा पैर पकड़ लेगा। और अगर आप पैदल चलेंगे तो आराम से कम्फर्टेबिलिटी में धीरे धीरे चलते चलेंगे, थोड़ा सा जल्दी के चक्कर में आपका ज़्यादा लॉस हो सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, फाइनली पहुंच रहे हैं, अपनी यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं और आपकी यात्रा भी कंप्लीट हो रही है घर बैठे। भैरव घाटी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय माता दी। अमृत सिंधा उदार निलया गंधानुभान मुहुरंधालिवीत कच बंधा समर्पयतु मे संधाम भानुमति संधानमाशुपद संधानमप्यगसुता जय माता दी। जय भैरव बाबा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं भैरव घाटी में और मेरे पीछे आप सबसे पहले
भैरव घाटी से ही भैरव बाबा के मंदिर के बाहर से दर्शन कर पा रहे होंगे। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको दर्शन करने का यहाँ पर मौका मिलता है। आप लाइनों में लगते हैं और उसके बाद भैरव बाबा जी के दर्शन होते हैं। यहाँ पर भी वीडियो फोटो अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ तो हम आपको कैप्चर करके अंदर का दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन अभी अभी आपने जो पिक्चर देखा होगा जहाँ पर आपने भैरव बाबा और हनुमान जी के दर्शन किया होगा, वो फुटेज जो है श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है वो लिया गया है। तो आप लोगों ने भी अनुभव प्राप्त किया होगा कि आप लोगों ने घर बैठे दर्शन किया हुआ है। अब देखिए कुछ इस प्रकार का नज़ारा है, धूप देखने को मिल रहा है। तो धूप है तो गर्मी साल का लगेगा ही, लेकिन यहाँ पर ठंड लगती है उतना ही ज़्यादा जितना गर्मी लगता है। रात के वक्त काफ़ी ठंड बढ़ जाता है। इधर का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी श्रद्धालुओं का चहल पहल है और माता रानी का ये पर्वत जिसके दृश्य अद्भुत होते हैं, अनोखे होते हैं। अब समय है अपने इस डिजिटल यात्रा को एंड करने का, जो काफ़ी दुख वाला पल होता है। लेकिन माता रानी से यही प्रार्थना रहेगी कि माता रानी हमें जल्दी बुलाए ताकि हम आपके लिए फिर से एक नई डिजिटल यात्रा लेकर आए और घर बैठे आपको दर्शन कराए। वो कहते हैं ना कि जब माँ भगवती का बुलावा आएगा तो हम आएंगे और दर्शन आपको ज़रूर कराएंगे। हमारी यात्रा में हमारे रोहित जी नहीं थे, बहुत मिस किया मैंने उनको कि रोहित जी रहते थे लगभग हर यात्रा में, लेकिन इस बार थोड़ा सा जो है उनका काम वगैरह है तो इसलिए वो नहीं आ पाए। बट कोई नहीं, मुझे माता रानी से यही प्रार्थना करना है कि नेक्स्ट बार हमारी यात्रा साथ हो, और मुझे उम्मीद है कि माता रानी ऐसा ज़रूर कराने वाली हैं। चलिए प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ, एक लाइक के साथ और साथ ही साथ आपके फीडबैक के साथ इस डिजिटल यात्रा को यहीं पर एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपना फीडबैक जो है वो कमेंट में ज़रूर देंगे, ज़रूर बताएंगे, ज़रूर ये बताएंगे कि आपको डिजिटल यात्रा कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई प्यारी सी ऐसे ही नई डिजिटल यात्रा में। जुड़े रहिएगा हमारे प्यारे से यूट्यूब एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी, जयकारा माँ शिरा वालिदा, बोलिए सांचे दरबार की जय।